अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू एडमायरल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो स्टिच हम सीखने जा रहे हैं उसका नाम है पफ स्टिच। तो आए शुरू करते हैं। सबसे पहले 25 चेन स्टिचेस बनाने हैं। पहली रो बनाने के लिए 3 चेन स्टिचेस को ड्रॉप करना है, 1, 2, 3। चौथे स्टिच में हमने हाफ डबल क्रोशे की तरह एक स्टिच बनाना है। लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस है वो ये कि हमने अब इस पूरे 3 लूप्स को एक लूप में नहीं करना, इसे हमने एज इट इज छोड़ देना है। और इसमें यहाँ पे टिप ये है कि इसे लूज रखना है। आप ज़्यादा टाइट कर देंगे तो ये बाद में निकालना मुश्किल होगा। अब इसी लूप में हमने एक और दफ़ा बिल्कुल ऐसे ही करना है, इसे भी हम लूज ही रखेंगे। वन मोर टाइम। अब यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि पफ आपने कितना बड़ा या कितना छोटा बनाना है। बड़ा बनाने के लिए हम ज़्यादा इसी तरह लूप्स लेंगे, और छोटा बनाने के लिए अब मैंने मीडियम रखा है, 3 लूप्स मैंने लिए हैं। अब इस सारे लूप्स को कन्वर्ट कर देंगे हम 1 लूप में, इस तरह इन सब के बीच में से गुजार के। यहाँ पे हमारे पास ये एक पफ की तरह शेप आ गई। इसे लॉक करना है विद 1 चेन, एक चेन से हम इसे लॉक कर देंगे। इसके बाद हम एक और चेन इसमें करेंगे, एक एक्स्ट्रा चेन, और यहाँ से एक लूप ड्रॉप कर देंगे। यहाँ एक छोड़ के अगले में सेम इसी तरह 1, 2 और 3, ये सेम स्टिच से हमने, सेम लूप से हमने निकाला इन सबको। अब इस पूरे को एक लूप में कन्वर्ट कर देना इस तरह। अब लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद एक एक्स्ट्रा चेन, और अगेन यही एक यहाँ से नीचे से लूप छोड़ना है और अगले में यही प्रोसीजर सारा रिपीट करेंगे पूरी लाइन के लिए। लास्ट चेन के बाद पैटर्न कुछ ऐसा लगेगा। अब इसी पैटर्न को हमें टर्न करना है। टर्न करके रो 2 भी इसी पे ही शुरू होगी, बिल्कुल पहले की तरह सिंपल सा। पहले हम 2 चेन्स बनाएंगे। 2 चेन के बाद अब जो यहाँ पे एक चेन हमने बनाई थी उस चेन की स्पेस में अब यहाँ पे अगला पफ हम बनाएंगे। यहाँ पे पफ इन चेन के स्पेसेस में बनना है। देखिए यहाँ 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 दिस। 2 चेन्स यहाँ पे बनाने के बाद बिल्कुल वैसे ही पहले की तरह यहाँ से 1, 2, 3। इसमें आपने याद रखना है कि पहले कितने लूप्स लिए थे ताकि पफ छोटा बड़ा ना हो। ठीक है, फिर इसे लॉक कर देना। लॉक करने के बाद एक एक्स्ट्रा चेन, और सेम प्रोसीजर इस स्पेस में करना है। अगेन आप यहाँ पे ये थोड़े लूज रखें ताकि हुक को निकलने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगेन लॉक, 1 चेन, और अगली स्पेस में अनदर पफ। हाफ डबल क्रोशे की तरह इसका स्टिच होगा, लेकिन वो भी हाफ होगा।
मतलब उन तीन लूप्स को एक लूप में कन्वर्ट नहीं करना। आखिर में तीनों के लूप्स को एक साथ 1, 2 इसी तरह इसे कंटिन्यू करना है। अच्छा, तो मैंने अब ये कुछ एक्स्ट्रा रोज बनाई हैं जिसको शो यू गाइस के असल पैटर्न किस तरह का दिखेगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।